चैप्टर हमारे पास, पहला चैप्टर जो हम आज स्टडी कर रहे हैं साइंस का, ठीक है। वो निकल के आ रहा है फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर एनसीईआरटी, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो प्लीज अपनी कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, साथ साथ नोट्स जो है उसके साथ साथ प्रिपेयर करते जाइए और मैं टॉपिक वाइज टॉपिक आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है। याद रखिएगा ये मीटिंग का सेशन 40 मिनट्स के बाद एक्सपायर हो जाएगा विद इन फ्यू सेकंड्स। मैं सेम आईडी के ऊपर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो नई मीटिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग में ये सारा आपको एक्सप्लेन करके चल रहा हूं, ठीक है। और अगर बीच में आपका लिंक टूटता है, ठीक है, वो आपकी इंटरनेट की प्रॉब्लम के कारण निकल के आएगा, तो आप दोबारा वाइन पे क्लिक करके मीटिंग दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास यहां पर निकल के आ रहा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर वन, ठीक है, केमिस्ट्री का चैप्टर है आपका, ठीक है। सो व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, आपको विजिबिलिटी पूरी निकल के आ रही है, व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस, अब बिफोर स्टार्टिंग द केमिकल रिएक्शंस हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, वी आर नोन टू द टू टाइप ऑफ चेंजेस, ठीक है। जब भी कोई आप रिएक्शन करते हैं, जब भी आप कोई काम करते हो, प्लीज किसी का ना स्पीकर ऑन है, अपना स्पीकर बंद करिए, डिस्टर्बेंस हो रही है, जब आपको प्रॉब्लम होगी तभी स्पीकर ऑन करिएगा। अमन अपना स्पीकर बंद करिए, चलो अब ठीक है। हेलो, हाँ जी सर, बंद है, बंद है। चलो ठीक है, नाउ स्टार्टिंग विद द चैप्टर, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस को समझने से पहले हमें किस तरह के चेंजेस निकल के आते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, जब कोई दो मटेरियल्स आपस में कंबाइंड होते हैं, तो उनके ऊपर पहले बात की जा रही है। अब हर चेंज को हम रिएक्शंस में नहीं लिख सकते, ठीक है, हर चेंज को केमिकल रिएक्शन भी नहीं बोला जाता। ऐसे कौन से चेंजेस हैं, ठीक है, ऐसे दे केड़े चेंजेस निकल के आते हैं जो साडे एनवायरनमेंट के अंदर अक्कर करें, जो चेंजेस अक्कर करें एनवायरनमेंट के अंदर, जिन्हें हम केमिकल रिएक्शंस बोल सकें, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग दैट हमें टाइप्स ऑफ चेंजेस के बारे में पता होना चाहिए। अब टाइप्स ऑफ चेंजेस हमने जूनियर क्लासेस के अंदर ऑलरेडी पढ़े हुए, ठीक है, जूनियर क्लासेस के अंदर मेरे पास थोड़े बहुत टाइप्स ऑफ चेंजेस निकल के आते हैं, ठीक है। अब वहीं से शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर की, नोट बनाते जाइए साथ साथ कॉपी के ऊपर लिखते जाइए, ठीक है। सबसे पहला चेंज निकल के आता है हमारे पास फिजिकल चेंज, सबसे पहला चेंज हमारे पास कौन सा निकल के आता है, फिजिकल चेंज निकल के आ रहा है, ठीक है। फिजिकल चेंज के अंदर क्या होता है, देयर इज अ टेंपरेरी, ठीक है, यूजली रिवर्सिबल चेंज निकल के आता है, ठीक है, देयर इज अ टेंपरेरी एंड यूजली रिवर्सिबल चेंज निकल के आता है, ठीक है, इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर आप यहां पर एग्जाम्पल दी हुई, वेन एवर आइस मेल्ट करे या वैक्स मेल्ट करे, यहां पर क्या निकल के आ रहा है, आइस और वैक्स जब भी मेल्ट करती है तो स्टेट में चेंज आता है, वेन एवर स्टेट में चेंज आएगा, स्टेट मतलब सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, वेन एवर सॉलिड और लिक्विड में, ठीक है, स्टेट में चेंजेस आएंगे, तो वो चेंज को हम क्या नाम बोलते हैं, फिजिकल चेंज का नाम बोलते हैं, बिकॉज इसके अंदर कोई न्यू सब्सटेंस इसके अंदर नहीं बन रहा। अब न्यू सब्सटेंस कब बनता है, न्यू सब्सटेंस तब बनता है जब मेरी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मेरी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए, प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होंगी ध्यान से समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहां पर किधर जा रहा हूं, ठीक है, प्रॉपर्टीज चेंज करके देखते हैं। अब प्रॉपर्टीज कैसे कहते हैं हम चेंज होती हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास आइस है, ठीक है, आइस सॉलिड फॉर्म में मेल्ट हुई, ठीक है, आफ्टर मेल्टिंग लिक्विड में कन्वर्ट होगी, ठीक है, चाहे आइस सॉलिड फॉर्म में है चाहे लिक्विड फॉर्म में, रहेगा तो वॉटर का वॉटर ही ना, हम कहते तो उसे वॉटर ही है ना, चेंज तो नहीं हो रहा कोई, ठीक है, नया सब्सटेंस तो नहीं बन रहा। इनिशियली
आइस था तब भी वॉटर ही था, बस ट्रेन क्या थी वॉटर की, सॉलिड थी, अब लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तब भी है तो वॉटर ही है ना, ठीक है। तो यहां पर मेरा क्या चेंज निकल के आता है, फिजिकल चेंज निकल के आता है, दिस इज नोन एज फिजिकल चेंज, इसे क्या बोला जाता है, फिजिकल चेंज बोला जाता है, ठीक है। अब केमिकल चेंज कौन सा होता है, ठीक है, केमिकल चेंज कौन सा होता है, फॉर एग्जाम्पल इन दिनों में ना हमने क्या किया, मिल्क लिया, ठीक है, घर में हो सारे, ठीक है, अब मम्मा से पूछ के देखना, ठीक है, सर वो लैग हो रही है, लैग हो रही है, बहुत ज्यादा लैग हो रही है बेटा, वो आपके इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही होगी, सबकी हो रही है, अभी भी हो रही है, वीडियो तो आ रही है यार, अच्छा दो मिनट रुकिए, मैं अपने एयरफोन लगाता हूँ, रुकिए, मैं एक मिनट स्पीकर लगाता हूं अपने, एक्चुअली अब आ रही है आवाज, ठीक आ रही है आवाज, आ रही है अब, हेलो प्लीज रिप्लाई, अब आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, अब पूरी ठीक आ रही है आवाज, आ रही है ना, चलो ठीक है, पता नहीं पहले क्यों प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि मेरे पास, मैं पिछले इतने दिनों से करवा रहा हूं, मुझे वॉइस की प्रॉब्लम कभी किसी ने नहीं बोली, तो मैंने कभी ईयरफोन यूज ही नहीं किया फिर इसके साथ, चलो अब आ रही है आवाज सभी को, चलो ठीक है अब शुरू करते हैं। हाँ जी सर। तो मैं रेपिटिशन करूं पहले, फिजिकल चेंज के बारे में रिपीट करूं पहले, यस सर। चलो फिजिकल चेंज को मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, अभी आपके सामने मैंने ना एक इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है, अभी इक्वेशन मैंने लिखी हुई है, आइस रिएक्शन हो रही है, आइस किसमें कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, और ये प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, हम मेल्टिंग का नाम देते हैं। अब मैंने ये बोला था चाहे आइस सॉलिड में है चाहे आइस लिक्विड में है, तो मटेरियल किस मटेरियल से बनी है तो वाटर से ही बनी है ना, ठीक है, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर को क्या बोल देते हैं, हम आइस बोल देते हैं, ठीक है, जो लिक्विड स्टेट निकल के आती है तो हम उसे तो चलो बोलते ही वाटर है, ठीक है, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, व्हेनेवर कोई नया सब्सटेंस ना बने, अब यहां पर एक चीज ध्यान में रखने वाली है और, ठीक है, क्या ध्यान में रखने वाली है कि व्हेनेवर आप आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करिए, बाद में लिक्विड को भी आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्या करना है, टेम्परेचर में चेंज करना, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर में, ठीक है, ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर में अगर आपके कोई चेंजेस निकल के आ रहे हैं तो वो चेंज जो निकल के आता है दैट इज अ फिजिकल चेंज, ठीक है, उसे केमिकल चेंज नहीं बोल सकते हम, दैट इज नॉट ए केमिकल चेंज, ठीक है। लेकिन व्हेनेवर मिल्क, अब आप सभी घर पे हो, ठीक है, आज रात को क्या करिएगा, मम्मा को बोल के पूछ के देखिएगा कि आप दही कैसे बनाते हो, दही की खट्टा लाने हैं, पंजाबी में जिकी कह देते हैं खट्टा लाने हैं, ठीक है, दही खट्टा किदा लगाया जाता, मतलब दही बनाने खट्टा किंदे च लगाया जाता, मिल्क दे विच लगाया जाता,
ठीक है। हुन मिल्क नु जो व्हेनेवर फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, मिल्क से अगर कर्ड बनेगी, ठीक है, व्हेनेवर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कर्ड विद द हेल्प ऑफ मिल्क, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, व्हेनेवर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कर्ड विद द हेल्प ऑफ मिल्क, ठीक है। अब मेरे यहां पे एक न्यू सब्सटेंस बन रहा है, न्यू सब्सटेंस कैसे बन रहा है इसके ऊपर ध्यान देते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट निकल के आएंगे, प्रॉपर्टीज इसकी क्या होंगी, न्यू प्रॉपर्टीज होंगी इसकी, ठीक है, दैट विल नॉट मैच विद मिल्क, मिल्क के साथ मैच नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप मिल्क की हेल्प के साथ क्या बना सकते हो, टी बना सकते हो, ठीक है, कर्ड की हेल्प के साथ टी नहीं बन सकती, नॉट पॉसिबल। रीजन पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि अब मेरे पास आफ्टर सर्टन रिएक्शंस, ठीक है, कुछ चेंजेस अक्कर किए हैं, आफ्टर सर्टन चेंजेस मेरे पास एक नया सब्सटेंस निकल के आ रहा है, दैट इज कर्ड। अब कर्ड की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, मोर ओवर दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, इसे रिवर्स कर सकते हो, दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब कर्ड से वापस मिल्क नहीं बन सकता, कर्ड से वापस मिल्क नहीं बन सकता, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, अगर आप चेंजेस की बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, ठीक है, दैट इज वन इज फिजिकल चेंज एंड अदर इज द केमिकल चेंज, वन इज फिजिकल चेंज एंड अदर इज द केमिकल चेंज, ठीक है, समझ में आया यहां तक, कोई डाउट है तो पूछिए, क्लियर है सभी को, आवाज ठीक आ रही है, अब अभी भी नहीं क्लियर आ रही, अभी भी नहीं साउंड सही, हाँ जी नहीं सर, मैं ऐसा करता हूं एक बार मीटिंग एंड करके एक नई मीटिंग शुरू करते हैं, ठीक है सर, ठीक है, आप सेम क्लिक सेम लिंक को क्लिक करिए, आपको मिलने शुरू हो जाएगा फिर, अब आ रही है आवाज, अब ठीक आ रही है आवाज, अब ठीक आ रही है आवाज, प्लीज रिप्लाई, हेलो आवाज आ रही है, प्लीज रिप्लाई, नहीं आ रही आवाज, हेलो क्या प्रॉब्लम आ रही है,
भव्या आवाज आ रही है? हार्दिक आवाज आ रही है? हेलो, बेटा कोई जाना बताए, आवाज आ रही है अब? चलिए स्पीकर अपने तो बंद करिए। अब भी आ रही है आवाज? क्लियर है, आ रही है आवाज? ओके ओके ओके, चलो वापिस आता हूं। सो बेसिकली ये मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, यहां पर हम ये कह सकते हैं दीज आर टाइप्स ऑफ चेंजेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ चेंजेस। ठीक है, दीज आर कॉल्ड टाइप्स ऑफ चेंजेस एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ठीक है, टॉकिंग अबाउट द फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज के बीच में मेरे पास कोई नया सब्सटेंस नहीं निकल के आता। ठीक है, वही सब्सटेंस होता है, बस चेंज क्या निकल के आता है, स्टेट में चेंज निकल के आएगा। ठीक है, स्टेट में चेंज कैसे निकल के आ सकता है, स्टेट में चेंज निकल के आता है विद द चेंज इन टेम्परेचर, विद द चेंज इन प्रेशर, ऐसी चीजों की हेल्प के साथ मेरा एक चेंज निकल के आता है, लेकिन नया सब्सटेंस नहीं बनता। ठीक है, दैट इज नोन एज ए फिजिकल चेंज। देन केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में मैंने आपको एग्जांपल दी फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क, उसके अंदर क्या निकल के आ रहा है, मिल्क की अगर प्रॉपर्टीज को देख के चलें, ठीक है, एंड कर्ड की प्रॉपर्टीज को देख के चलें, मिल्क आपने पिया हुआ, कर्ड आपने खाई हुई है, ठीक है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस बहुत निकल के आता है। कर्ड ज्यादा खट्टी होती है एज कंपेयर टू मिल्क। ठीक है, कर्ड के अंदर खट्टापन आ जाता है। ठीक है, तो इट मींस वहां पर एक मेकपैस बिल्कुल एक नया सब्सटेंस निकल के आ रहा है। ठीक है, अगर एक नया सब्सटेंस निकल के आ रहा है जिसकी प्रॉपर्टी पुराने सब्सटेंस के साथ मैच नहीं करती, देन दैट चेंज इज नोन एज केमिकल चेंज, एंड दैट चेंज इज नोन एज केमिकल चेंज। और इस चैप्टर के बीच में, ठीक है, जो चैप्टर का नाम निकल के आ रहा है, ठीक है, जो चैप्टर का नाम निकल के आ रहा है केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, इसके बीच में हमने केमिकल चेंजेस की ही बात करनी है। ठीक है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी केमिकल चेंजेस ओनली, फिजिकल चेंजेस की बात नहीं कर रहे हम इसके बीच में। ठीक है, सो इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड के हमें फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बीच में, अपने स्पीकर बंद कर दीजिए प्लीज, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बीच में अच्छी तरह से डिफरेंस क्लियर हो इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस चैप्टर। ठीक है, तभी पहला जो हमने यहां पर टॉपिक की स्टार्टिंग रखी वो क्या निकल के आ रहा था, केमिकल चेंजेस एज वेल एज फिजिकल चेंजेस के बीच में। ठीक है, देन मूविंग फर्दर, नोट कर लिया आपने ये, प्लीज नोट कर लो जल्दी, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बीच में ये पहला आपका निकल के आ रहा है, तो इसे साथ साथ नोट करते जाइए। गुनगुन एंड सिमरजीत कौर, प्लीज अपने स्पीकर बंद कर दो। ठीक है जी, नोट कर लिया, तो मैं मूव कर रहा हूं आगे। ठीक है, आई एम मूविंग फर्दर। चलो, शुड आई मूव, देन केमिकल रिएक्शंस, व्हाट आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस, अब उसके बीच में आ गए हम। ठीक है, साथ साथ नोट करते जाइएगा। ठीक है, ये आपके प्रॉपर नोट्स पर मार रहा हूं मैं साथ साथ। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या है, द कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन और एक्सचेंज दैट टेक प्लेस फ्रॉम, दैट टेक्स
place in molecules of the matter during a chemical change उसे क्या बोलते हैं chemical reaction. For example, इसे easy language में बात करते हैं. ठीक है, ये तो चलो होगी पूरी. हाँ जी, अब आ रही है आवाज? चलो ठीक है, पता नहीं आपके बैच में ही आ रही है, फर्स्ट टाइम हुई है. 10 दिन हो गए काम करवाते हुए, कभी किसी बैच ने ये नहीं बोला सर आपकी आवाज नहीं आ रही. चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट डे ऐसा ही होता, आप भी यूज टू नहीं हो, माइट भी आपने कही होने बीच में ईयरफोन्स भी नहीं लगाए हुए, तभी मैं आप बोलता हूं ईयरफोन्स लगा लो ज्यादा बेटर है. देन केमिकल रिएक्शंस के ऊपर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए. आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर जो है यूट्यूब का लिंक मैं सेंड कर दूंगा, इन केस अगर बीच में कोई डिस्टर्बेंस आई भी है तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर के बीच में सुन लीजिएगा, और अगर आपको तब भी रिकॉर्डेड लेक्चर के बीच में प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सएप के ऊपर आप प्रॉब्लम पूछ लीजिएगा. ठीक है जी. देन केमिकल रिएक्शन, अब केमिकल रिएक्शन को ध्यान से समझते हैं. ठीक है, व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन. ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन को ध्यान से समझने के लिए मैं वापस जा रहा हूं ब्लैंक पेज के ऊपर. ठीक है, ब्लैंक पेज के ऊपर जा रहा हूं. ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन को अगर ध्यान से समझना हो तो हम कैसे समझ सकते हैं? ठीक है, अब मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, यहां पर रिएक्टेंट्स निकल के आ रहे हैं. ठीक है, मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, यहां पर रिएक्टेंट्स निकल के आ रहे हैं. रिएक्टेंट्स, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मिल्क की बात की थी तो मिल्क वॉज माई रिएक्टेंट, मिल्क की बात की थी तो मिल्क वॉज माई रिएक्टेंट. ठीक है, रिएक्टेंट्स के बीच में निकल गया. ठीक है, देन फर्दर मूविंग फर्दर अगर आगे बढ़ो. ठीक है, अब रिएक्टेंट्स को के बीच में कुछ चेंजेस अक्कर किए हैं. ठीक है, ये एरो किसे रिप्रेजेंट करती है, चेंजेस को रिप्रेजेंट करती है ये एरो. एवरी टाइम अगर आप रिएक्शन की बात करें तो ये एरो रिप्रेजेंट करती है चेंजेस दैट आर अकरिंग. ठीक है, अब मिल्क के बीच में होता गया, ठीक है, अब मिल्क के बीच में होता गया, रात को हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा एक ड्रॉप ऑफ कर्ड बीच में फेंक देते हैं. ठीक है, वो क्या करते हैं, अब वो चेंजेस की बात कर रहा हूं मैं. ठीक है, अब ये चेंजेस जो है तो क्या करते हैं, बैक्टीरियल चेंजेस निकल के आते हैं. बैक्टीरियाज जो उस कर्ड के अंदर प्रेजेंट है, बैक्टीरियाज उसके अंदर एक चेंज प्रोड्यूस करते हैं. पूरी रात वो चेंज चलता है. ठीक है, एटलीस्ट 4 से 5 घंटे का चेंज चाहिए. ठीक है, बैक्टीरियाज, ठीक है, बैक्टीरियाज क्या प्रोड्यूस करते हैं इस चेंज के दौरान, बैक्टीरियाज आर प्रोड्यूसिंग, अब ये चेंज के अंदर बैक्टीरियाज आर प्रोड्यूसिंग एन एसिड. ठीक है, वो एसिड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो रिएक्टेंट मतलब के मिल्क को किसमें कन्वर्ट कर देता है, कर्ड में कन्वर्ट कर देता है. किसमें कन्वर्ट कर देता है, कर्ड में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड मिल्क, यहां पर मिल्क की एग्जांपल लेके चल रहा हूं. ठीक है, एरो में क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, एवरी टाइम एरो में रिप्रेजेंट किया जाता है चेंजेस को. ठीक है, अब वो चेंजेस जो मिल्क के अंदर प्रोड्यूस कर रहा है वो कौन में चेंजेस प्रोड्यूस कर रहा है, जो आपने ना मिल्क के अंदर 2-3 ड्रॉप्स डाली है कर्ड की. ठीक है, उसके अंदर बैक्टीरियाज है, वो बैक्टीरियाज ने एसिड प्रोड्यूस करना है, विद द हेल्प ऑफ दैट एसिड मिल्क किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में. मिल्क किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में. तो यहां पर जो कर्ड प्रोड्यूस हो रही है इसे कहते हैं प्रोडक्ट, इज नोन एज प्रोडक्ट. ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, प्रोडक्ट बोल देते हैं. इसे क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट बोल देते हैं. ठीक है जी, अब यहां पर इसने यही बात की हुई. ठीक है, कमिंग बैक टू दिस. ठीक है, उसने क्या बोला, वो कंबिनेशन. ठीक है, कंबिनेशन. ठीक है, क्या बोल रहा हो, कंबिनेशन. या तो वो रिएक्शन क्या हो सकती है, कंबिनेशन. ठीक है, या डीकंपोजिशन या एक्सचेंज. अब वर्ड कंबिनेशन आगे जाके समझाऊंगा, डीकंपोजिशन भी आगे जाके. ये क्या है, चेंजेस है. जैसे वहां पर मैंने बैक्टीरियल चेंजेस की बात की थी ना, बैक्टीरिया ने चेंजेस प्रोड्यूस किए थे एसिड के प्रोड्यूस करके. ठीक है, इसी तरह से
Combination is also one of the change. Decomposition is also one of the change. And exchange that takes place in the molecules of the matter is also a chemical change. अब ये जितनी technical terms यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, that is combination, decomposition and exchange of matter, ये सारा आपको अगली chapter जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको समझ में आता जाएगा. ठीक है, अभी right now हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा chemical changes के बारे में पढ़ा, एंड व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, हमने केमिकल रिएक्शन को पढ़ने की कोशिश की. ठीक है, तो उसके बीच में हमें क्या मिल रहा है? हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट ये नहीं निकल के आ रहा इसके बीच में, हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट ये निकल के आ रहा है ये. ठीक है, हमें ये चीज नोट करनी है इसके बीच में कि सब्सटेंस दैट टेक्स प्लेस इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट, उसे क्या बोल दिया जाता है? रिएक्टेंट. ठीक है, मिल्क और कर्ड के एग्जाम्पल में क्या था ना? मिल्क और कर्ड के एग्जाम्पल में मिल्क वॉज द रिएक्टेंट. इसी तरह से सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन उसे क्या बोल दिया जाता है? प्रोडक्ट. कर्ड क्या निकल गया? अब इसमें क्या था? मिल्क, जो एग्जाम्पल हमने पीछे ली, ये क्या निकल के आ रही थी? कर्ड. ठीक है, अब ए केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, इक्वेशन एंड केमिकल. अब दो वेज है इसे रिप्रेजेंट करने की. ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करने की भी मेरे पास दो वेज है. वन ऑफ द वे है केमिकल वर्ड इक्वेशन, दूसरा वे क्या निकल के आता है? केमिकल इक्वेशन. दूसरा वे क्या निकल के आता है? केमिकल इक्वेशन. अभी चैप्टर की इंट्रोडक्शन चल रही है, सिर्फ चैप्टर शुरू नहीं हुआ. मतलब एक केमिकल रिएक्शन को भी लिखने के दो तरीके हैं, दैट इज वर्ड इक्वेशन, वर्ड्स की हेल्प के साथ लिखा जाए. दूसरा मेथड निकल के आता है केमिकल इक्वेशन. लिख लिया, नोट कर लिया आपने इतना? शुड वी मूव ऑन, आगे बढ़े? आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है, नोट कर लिया आपने? अब आगे आता है वर्ड इक्वेशन. ठीक है, अच्छा अब ये चैप्टर किस किसने पहले पढ़ा हुआ है स्कूल में? है कोई बच्चा जिसने पहले किया हुआ ये चैप्टर? ठीक है, तो आपको वर्ड इक्वेशन के बारे में बताया था? नहीं. यही पे मिस कर देता है स्कूल टीचर. ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सारा समझाता हूं. सीधा कॉम्बिनेशन वो गलत है फिर बेटा, वो उन्होंने फिर इंट्रोडक्शन दी नहीं आपको. चलो कोई बात नहीं, हम अब बात कर रहे हैं. ठीक है, वर्ड इक्वेशन. वर्ड इक्वेशन क्या होती है? अब आप ना नाइन्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं थोड़ी बहुत केमिस्ट्री. ठीक है, अब आपको ना कभी कभी ना बच्चे क्या करते हैं, अब जूनियर क्लासेस में हम क्या करते हैं, अब जूनियर क्लासेस में आपको सिंबल्स तो होते ही नहीं है, पता ही नहीं होते. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिंबल्स में कौन से कह रहा हूं? ठीक है, वापिस चलते हैं. ठीक है, सिंबल्स में कौन से कह रहा हूं? फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने लास्ट ईयर नाइन्थ क्लास के बीच में सोडियम को देखा था. ठीक है, सोडियम क्या था? ठीक है, सोडियम का सिंबल क्या था? सोडियम का सिंबल Na था. हाइड्रोजन का सिंबल क्या था? H था. ठीक है, अब ये कहां पे आया? ये जो भी चीज निकल के आ रही है ये आपकी नाइन्थ क्लास से आनी शुरू होती है. ठीक है, नाइन्थ क्लास से पहले अब एट क्लास के ऊपर जाते हैं या सेवन्थ क्लास के ऊपर जाते हैं. ठीक है, जूनियर क्लासेस की बात कर रहे हैं, जूनियर क्लासेस की. ठीक है, जूनियर क्लासेस के बीच में हमें जब भी कभी कोई टीचर रिएक्शन के बारे में बात करता है तो वो वर्ड्स के बीच में लिखता है, रिएक्शन वर्ड इक्वेशन की फॉर्म के बीच में लिखता है. ठीक है, तब वो ये सिंबल यूज नहीं कर रहा, एट दैट टाइम वो ये सिंबल नहीं यूज कर रहा, वो ये वर्ड्स को यूज करता. ठीक है, अब ये जूनियर लेवल तक तो मेथड सही है. ठीक है, जैसे जैसे अब आपकी क्लास होगी हायर, टेंथ क्लास होगी, अब टेंथ क्लास में वर्ड इक्वेशन वाला मेथड नहीं कंटिन्यू रहना. ठीक है, टेंथ क्लास में जब कभी भी आप वर्ड इक्वेशन की हेल्प के साथ कोई रिएक्शन मेंशन करने की कोशिश करोगे तो टीचर गलत कर देगा. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि वर्ड आप अभी तक क्या पढ़ के आए हो. आप अभी तक सिर्फ वर्ड इक्वेशन को पढ़ के आए हो. व्हेनेवर आपको कोई एक रिएक्शन बतानी होती है तो वर्ड्स के साथ बताते हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर यह रिएक्शन लिखी हुई, ठीक है, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं रेड के साथ, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है? वॉटर.
ठीक है। अब ये क्या लिखा आपने, वर्ड रिएक्शन लिखी है, वर्ड इक्वेशन लिखी है। अब ये जूनियर क्लासेस तो आपको अच्छी है कि समझ में आता है, ठीक है। छोटी क्लास का बच्चा है, उसे हाइड्रोजन का सिंबल ही नहीं बताया, ऑक्सीजन का सिंबल ही नहीं बताया, ठीक है। लेकिन उसे यह बताना है कि वाटर कैसे बन रहा है, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ बन रहा है, तो ये वर्ड इक्वेशन हम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपकी टेंथ क्लास निकल के आएगी तब वह वर्ड इक्वेशन काम नहीं करेगी, ठीक है। सिमिलरली नीचे भी एक एग्जाम्पल दी हुई है, पोटेशियम क्लोरेट क्या कन्वर्ट होता है, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हीट एंड MnO4, ठीक है। सो रिएक्टेंट्स आर रिटन एट फर्स्ट, देन एन एरो इज रिटन, ठीक है। अब पहले रिएक्टेंट्स लिखा, ये सारे रिएक्टेंट्स हैं, फिर एक एरो निकल के आया मेरे पास, देन उसके बाद क्या निकल के आ रहा है, प्रोडक्ट, दीज आर प्रोडक्ट, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं, तो ये एरो, दिस इज द मेथड टू रिप्रेजेंट ए वर्ड इक्वेशन, दिस इज द मेथड टू रिप्रेजेंट ए वर्ड इक्वेशन। अगर इसके बारे में नहीं लिखा तो बस एक हेडिंग बना दो, वर्ड इक्वेशन क्या है, और वर्ड इक्वेशन की बस ये डेफिनेशन लिख लो अगर नोट्स बना रहे हो साथ साथ। ए केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फुल नेम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन, बस इतना लिख लीजिए। और अगर एग्जाम्पल के तौर पर लिखना है तो ये बस एक एग्जाम्पल लिख लो, बाकी चाहे रहने दो, ये इसलिए कह रहा हूं नोट्स के लिए। क्लियर हो रही बात, स्क्रीन क्लियर नहीं है, स्क्रीन क्लियर नहीं है, अब देखो अब क्लियर है, अब क्लियर है, लिख लिया, हाँ जी, हाँ जी सर। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। देन डीमेरिट्स के ऊपर आ गए, डीमेरिट्स को क्या कह सकते हैं, डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्ड इक्वेशन। अब डिसएडवांटेजेस के ऊपर आ गए, इट टेक मोर स्पेस एंड टाइम, ठीक है। अब पहले हाइड्रोजन को लिखे हैं, फिर ऑक्सीजन को लिखे हैं, ठीक है, कितना टाइम लग जाता है। अब आप खुद सोचो मैंने क्या लिखा यहां पर, ठीक है, मैंने लिखा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, फिर एरो डाल के लिखा वॉटर, टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। अगर यही रिएक्शन को सिंबल्स में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, आ गया, ठीक है। सो ये मेरा वर्ड इक्वेशन में है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है, वर्ड इक्वेशन में ये क्या निकल के आ रहा है, टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। देन टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी काउंटेड। अब आप खुद बताओ, यहां पर हाइड्रोजन पता है, ये सिंपल हाइड्रोजन लिख दिया, लेकिन आप खुद सोचो अगर इस फॉर्म में लिखता हूं तो मुझे पता चलता है हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं। यहां पर हाइड्रोजन के टू एटम्स निकल के आ रहे हैं, टू एटम्स, ठीक है। यहां पर पता ही नहीं चल रहा है हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, यहां पर पता ही नहीं चल रहा ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, यहां पर पता ही नहीं चल रहा वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स निकल के आ रहे, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। तो वर्ड इक्वेशन के अपने डीमेरिट्स हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। अब इक्वेशन कैन नॉट बी बैलेंस्ड, अब आप खुद सोचो बैलेंस ऑफ इक्वेशन को क्या कहते हैं, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन को कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के इतने इधर कितने एटम्स हैं, टू, ऑक्सीजन के कितने हैं, टू। अब यहां पर इसे बैलेंस करने के लिए मैंने यहां पर कह लिया टू लगा दिया, ये टू, यहां पर आप बैलेंसिंग शो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वर्ड इक्वेशन के बीच में बैलेंसिंग नहीं शो कर सकते। बैलेंसिंग मीन्स नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट हैंड साइड शुड बी सेम, शुड बी सेम, ठीक है। अब आप नीचे वाली रिएक्शन को देखिए, ठीक है, हाइड्रोजन के इधर कितने एटम्स आ रहे हैं, फोर एटम्स आ रहे हैं, इधर भी कितने आ रहे हैं, फोर। ऑक्सीजन के कितने आ रहे हैं, टू आ रहे हैं, ऑक्सीजन के इधर भी कितने आ रहे हैं, ये टू टू आ रहे हैं। तो यहां पर बैलेंस कर सकते हो, यहां पर बैलेंसिंग कर सकते हो, नहीं कर सकते। So, वर्ड इक्वेशन की मेरे पास यही डिसएडवांटेजेस आ रही हैं कि ना ही मैं बैलेंस कर सकता हूं, ना ही मुझे नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता है। मोर ओवर इट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, नोट कर लिया, ठीक है। देन मूविंग फर्दर, अगर मैं आगे बढ़ू तो मेरे पास क्या निकल के आता है,
केमिकल। अब सेकेंड मेथड के ऊपर आ रहे हैं एंड दिस इज माई टॉपिक, जो मुझे टॉपिक चाहिए, जो टॉपिक मतलब चैप्टर के नेम के बीच में निकल के आ रहा है, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यहां से मेरा एग्जैक्ट चैप्टर शुरू हो। वो इंट्रोडक्शन थी कि मैं ये चीज पढ़ क्यों रहा हूं, ठीक है, व्हाई आई एम फोर्स टू स्टडी दिस थिंग, मुझे क्या जरूरत है इस चीज को पढ़ने की, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला या केमिकल इक्वेशंस को पढ़ने की जरूरत क्या है, ठीक है, उसके रीजंस पहले हमने पीछे फाइंड आउट किए हैं कि हमारे पास ड्रॉबैक्स निकल के आ रहे हैं वर्ड इक्वेशन के। ठीक है, अब वर्ड इक्वेशन के ड्रॉबैक्स को, ठीक है, दूर करने के लिए, खत्म करने के लिए मेरे पास क्या निकल के आया है, केमिकल इक्वेशन का मेथड निकल के आया। केमिकल इक्वेशन के बीच में हम क्या करते हैं, ठीक है, अब आप केमिकल इक्वेशन को अगर ध्यान से देखो, केमिकल रिएक्शंस आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। ठीक है, मैंने हाइड्रोजन का क्या लिखा था, सिंबल लिखा था H, हाइड्रोजन का क्या लिखा था मैंने, सिंबल लिखा था, ठीक है, सिंबल्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वॉटर का क्या लिखा था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O, ठीक है, H2O, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इन विच केमिकल रिएक्शंस आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको क्या लिख के दिया था, फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक बात कर देते हैं वॉटर के फॉर्मेशन की, ठीक है, तो कैसे, दिस इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन हमेशा गैस में होती है, ऑक्सीजन हमेशा गैस में होती है, दिस इज द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन। अब ये सिंबल्स आ गए, ठीक है, एरो, ठीक है, सिमिलरली दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वॉटर, ठीक है, इसमें अब बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, अगर बैलेंस करूंगा तो यहां पर क्या निकल के आ जाएगा, टू, ठीक है, यहां पर भी क्या निकल के आया, टू। अब यहां पर ऐड करके देखो, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के चार एटम्स हैं, ऑक्सीजन के टू एटम्स हैं, ठीक है, सिमिलरली इधर भी आप अगर देखो हाइड्रोजन के फोर एटम्स हैं, ऑक्सीजन के भी कितने एटम हैं, टू एटम्स हैं, ठीक है, इसमें प्रॉपर पता चल रहा है ना, मेरे को नंबर ऑफ एटम्स के बारे में अच्छी तरह से पता चल रहा है ना, ठीक है। वर्ड इक्वेशन के अंदर क्या निकल के आना था, यहां पर आना था हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू फॉर्म वाटर, इसके बीच में मेरे को एटम्स के बारे में पता चल रहा है ना, नंबर ऑफ एटम्स के बारे में पता ही नहीं चल रहा वर्ड इक्वेशन में, लेकिन जैसे ही मैं केमिकल इक्वेशन की टर्म्स में लिखता हूं, केमिकल इक्वेशन में मुझे रिएक्टेंट्स का अलग से पता चलता है, प्रोडक्ट्स का अलग से पता चल रहा है, नजर आ रहा है, प्रोडक्ट्स का अलग से पता चल रहा है, रिएक्टेंट्स का अलग से पता चल रहा है, और मुझे क्या पता चल रहा है कि रिएक्टेंट्स के अगर नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन के चार हैं, तो उसमें भी कितने हैं, प्रोडक्ट में भी चार है, ऑक्सीजन के अगर दो एटम्स है रिएक्टेंट्स में, उधर भी कितने हैं, दो है, ठीक है, क्लियर है, इतना डाउट है तो पूछो। किसी को डाउट है तो पूछो, है किसी को डाउट, भव्या जी डाउट है कोई, सूर्या, भव्या, कशिश, कोमल, कोई डाउट है, हर्षित, गुनगुन, किसी को डाउट नहीं है, चलो अगर नहीं डाउट है तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। किसी को भी डाउट है, उज्जवल, युवम, डाउट है कोई, चलो क्या डाउट है बेटा पूछो, उज्जवल डाउट पूछो, क्या निकल के आ रहा है, अगर कोई डाउट है तो पूछो बेटा, प्लीज स्पीकर ऑफ ऑन करके अपना डाउट पूछ सकते हैं आप, चलो मैं ये मान के चल रहा हूं कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। सो हमें यह पता चल गया कि केमिकल
हमें यह पता चल गया कि केमिकल एक मिनट इक्वेशन होती क्या, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या निकल के आती है, क्लास में आपको केमिकल इक्वेशन की जो भी ये फॉर्मेशन है इसके पीछे के कॉजेज नहीं बताए जाते कि हमें क्या जरूरत पड़ गई ऐसे लिखने की। हमने आज वो सारा स्टडी कर लिया कि रीजंस हमने फाइंड आउट किए कि केमिकल इक्वेशंस को ऐसे लिखने की जरूरत क्यों पड़ रही है, केमिकल इक्वेशंस को लिखने की ऐसे जरूरत क्यों पड़ रही है। मैंने यहां पर एक एग्जांपल ली हुई है, ठीक है, रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की, दिस इज द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। उज्जवल जी अगर कुछ पूछना है तो स्पीकर ऑन करके पूछिए, मैसेज करके मैं क्या बताऊंगा आपको, आप अपना हाथ खड़ा करो या तो क्वेश्चन टाइप कर दो कि टाइम पास करने के लिए सेंड करिए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन एक मैंने यहां पर आपके सामने रखी है, ठीक है, जिसके बीच में दीज आर दी रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट्स लिखे हुए, ठीक है। सिमिलरली दीज आर दी प्रोडक्ट्स, ये मेरे प्रोडक्ट्स निकल के आ रहे हैं, ब्लैक मार्कर के साथ कर रहा हूं इसे, ये मेरे प्रोडक्ट्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अब जो पैर में लिखा जाता है, जैसे हाइड्रोजन के पैर में यहां पर क्या लिखा हुआ है 12, उसे क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट, लिख लो। ऑक्सीजन के बिल्कुल आगे 6 लिखा हुआ है, दैट इज नोन एज कोएफिशिएंट, उसे क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। अब दो मॉलिक्यूल्स या दो से ज्यादा एटम्स, दो एटम्स या दो से ज्यादा एटम्स को कंबाइंड करके लिखा जाए तो उसे क्या बोलते हैं, फॉर्मूला। ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है, ये भी मेरा फॉर्मूला निकल के आ रहा है, दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला, ठीक है। अब जो ये ग्लूकोज निकल के आ रहा है, ये भी मेरा एक फॉर्मूला है, समझ में आ रहा है। सो दिस इज रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, जो कभी किसी सिंबल के पैर में न्यूमेरिकल नंबर निकल के आता है दैट इज नोन एज सबस्क्रिप्ट, उसे क्या बोला जाता है, सबस्क्रिप्ट। जो किसी सिंबल के आगे न्यूमेरिकल नंबर निकल के आता है उसे क्या बोला जाता है, कोएफिशिएंट, ठीक है। अब दो से ज्यादा एटम्स को कंबाइंड करके जो रिजल्ट निकल के आ रहा है दैट इज नोन एज फॉर्मूला, दैट इज नोन एज फॉर्मूला। अगर आप H2 को भी लिखते हैं दिस इज ऑल्सो ए फॉर्मूला, ठीक है। दो या दो से ज्यादा एटम्स जब भी कंबाइंड करके लिखे जाते हैं That is known as formula. अगर आप सिंपल लिखेंगे ना इसे H, this is known as symbol. ठीक है, ये किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एटम को रिप्रेजेंट करता है, सिंगल सिंगल सिंबल रिप्रेजेंट्स एन एटम, ठीक है, वो एटम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी, क्लियर है। चलो आज के लिए साइंस का टॉपिक इतना ही, आज फिर भी जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं माइट भी कल नहीं आएंगी, ठीक है, आपका भी पहला दिन है, ठीक है, इसके कारण तो प्रॉब्लम है। अगर साइंस के इस जहां तक हमने पढ़ा है उसमें अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो प्लीज स्पीकर अपने ऑन करके प्लीज बोल के पूछ लीजिए, टर्न बाय टर्न, मैं नाम लेता हूं, हम टर्न बाय टर्न पूछते हैं। उज्ज्वल जोशी जी पूछना है तो पूछिए, मेरे पास जो नाम लिखे आ रहे हैं मैं उन्हीं में से पूछ रहा हूं, हाँ जी पूछिए, है कोई प्रॉब्लम, सिमर सिमरजीत कौर है कोई प्रॉब्लम, है कोई प्रॉब्लम बेटा, भव्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं सर नहीं, गुनगुन है कोई प्रॉब्लम बेटा, जो आज किया हमने उसमें अभी कोई प्रॉब्लम है, ओके हार्दिक जी नहीं सर, हर्षित नो सर, ओके आगे नाम आ रहा है मेरे ख्याल से, जैशना जैशना आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है, ओके कशिश नो सर, कोमल नो
चलो मौलिक नमन आगे जितने भी हैं सभी की नौ ही है, अगर किसी की प्रॉब्लम है पीछे पूछ लो। नहीं सर ठीक है। चल ठीक है, इन केस अगर प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज डाल दीजिएगा, जो भी आज हमने साइंस का डिस्कस किया है मैं उसकी एक वीडियो डाल दूंगा आपको, ठीक है जी। अच्छा अभी हम मैथ शुरू करेंगे, मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूं,